आज हमारी कक्षा में एक स्टूडेंट एक कूलर बना के लेकर आए हैं जिसमें आइस भी डल सकती है। ये गत्ते का कूलर है। इनकी क्रिएटिविटी देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एक ऐसा कूलर बनाया गत्ते का जिसमें आइस भी डल सकती है। तो बेटा, क्या नाम है आपका? मुदस्सिर अली। मुदस्सिर अली। बताओ बेटा इसके बारे में कुछ। मुदस्सिर अली है ये स्टूडेंट का नाम। इन्होंने बहुत ही प्यारा कूलर बनाया है। आप देख सकते हैं कि क्रिएटिविटी। और सबसे पहले कूलर की मैं दिखाऊं, ये आगे जैसे शेड सी लगी हुई है और जिसको हटाते हैं तो यहाँ से कूलर दिखता है और जाल सा हटता है। और इसके ऊपर से हम इसकी मशीनरी दिखा सकते हैं। ये कवर भी हट जाता है। मशीनरी जो इन्होंने लगाई है इसमें, क्या क्या चीज़ें लगाई हैं बेटा? सर जी, इसके अंदर एक मोटर लगी और एक पंखा लगा है, और एक सर जी हमारे पास चार्जर पड़ा हुआ था, इसकी पिन कटी हुई थी तो हमने इसको इस्तेमाल कर लिया। वेरी गुड। मतलब वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ बनाई है। और ऊपर से देखिए, इधर लिखा हुआ है, जो हिंदी में हम कूलर को कहते हैं शीतलक, कूलर को हम कहते हैं ठंडी हवा देने वाला यंत्र, शीतलक वो बनाया है। और नीचे से यहाँ से जो ये ट्रे है, इसकी ये बर्फ निकलती है। देखो ये ट्रे है, इसमें हम बर्फ रख सकते हैं। प्लास्टिक की शीट इसमें लगाई हुई है कि बर्फ रख के ऊपर ठंडी हवा इसमें जा सके। ये देखो, ये यहाँ से एंटर अंदर हो जाती है। तो इस तरह से बनाया है। और ये वायर से, बैटरी का भी यूज़ नहीं, वायर का यूज़ करके वायर लग जाती है और वायर से ये चलता है। बहुत ही अच्छी कलाकृति बनाई है ये। यहाँ पर स्विच नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ पर चला के दिखाता, लेकिन मैंने कहीं और जाके चला के देखा है, वहाँ ये चल रहा है। और किस किस को ये कैसा लगा, कौन कौन बताएगा? अच्छा तो सभी को लगेगा क्योंकि अच्छा है। और किसी किसी से मैं पूछूँ तो उसके बारे में कौन कौन बताएगा? तुम बताओ इसके बारे में बेटा कुछ। शीतलक सर ये बहुत ही अच्छा है, इसका नाम है। शीतलक है हाँ, और ये इससे चलता बैटरी से नहीं, डायरेक्ट तार से। हाँ, तो सभी को ये काफी अच्छा लगा। सभी क्लैप कीजिए स्टूडेंट के लिए। हम बाकियों से भी ये आशा करेंगे कि सभी इस तरह का एक्टिविटी बनाएं और भागीदार बने इसको अच्छा करने में, मिशन बुनियाद को अच्छा करने में। तो अभी के लिए मैं अपनी वाणी से विराम लेता हूँ। धन्यवाद।